राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 68 IAS अधिकारियों के तबादले। जगरूप सिंह यादव को नियुक्त किया गया जयपुर कलेक्टर। टी रविकांत को दी गई JDC की जिम्मेदारी। स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए आधार की अनिवार्यता समाप्त। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने दिए पालना के निर्देश। राज्य मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे की कवायद जारी। वरिष्ठ नेता कर रहे हैं मंथन। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में। महाराष्ट्र के पुणे में 9 से 20 जनवरी तक आयोजित होगी खेलो इंडिया प्रतियोगिता। 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारी के रूप में देखी जा रही है ये प्रतियोगिता। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ शीतलहर का दौर जारी। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान आज भी जमाव बिंदु के नीचे। कोहरे के कारण रेल और सड़क मार्ग हो रहा है प्रभावित। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र हंस और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 68 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी 68 अधिकारियों की तबादला सूची में जयपुर, दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर, झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और बारां सहित 28 जिलों के जिला कलेक्टर्स और जिला मजिस्ट्रेट को बदल दिया गया है। इस सूची के मुताबिक जगरूप सिंह यादव को जयपुर कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं टी रविकांत को JDC, ACS पवन कुमार गोयल को कृषि विभाग और रजत मिश्रा को सामान्य प्रशासन और मंत्रिमंडलीय सचिवालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 68 अधिकारियों की स्थानांतरण सूची में जयपुर, दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर, झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और बारां सहित 28 जिलों के जिला कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट को बदल दिया गया है। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पवन कुमार गोयल को कृषि विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव, संजय मल्होत्रा को राजस्व, उपनिवेशन में प्रमुख शासन सचिव, रजत कुमार मिश्रा को सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव, संदीप वर्मा को जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग का प्रमुख शासन सचिव, नरेश पाल गंगवार को प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग तथा अध्यक्ष डिस्कॉम जयपुर तथा रोली सिंह को कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव बनाया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने कहा कि प्रवेश के लिए माता पिता से आधार कार्ड की मांग करना कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के भी खिलाफ होगा। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण को शिकायत मिली है कि अभी भी कुछ स्कूल्स दाखिले के लिए आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं जो कि नाजायज है। प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। विभागों को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में बने हुए हैं। गौरतलब है कि गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने यूरिया की किल्लत को लेकर सरकार पर झूठा बयान देने के आरोप लगाए हैं। सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को उसकी आवश्यकता से अधिक यूरिया दिसंबर माह में ही उपलब्ध करवा दिया है, जबकि राज्य सरकार यूरिया खाद को लेकर झूठे बयान दे रही है। सैनी ने यह भी कहा कि प्रदेश में नई सरकार को बने एक पखवाड़ा बीत गया है, लेकिन अपने आप को किसान हितैषी कहने वाली कांग्रेस सरकार ने अभी तक कृषि मंत्री तक भी तय नहीं किया है। यूरिया की कमी बताकर अपने आपसी झगड़ों को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। राजस्थान में यूरिया की 2.5 लाख टन की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को लगभग 3 लाख टन यूरिया भेजा है, लेकिन 2 समानांतर सरकारों के चलते रहने के कारण आज
स्थिति ये बनी है कि किसान की समस्याओं पर चिंता करने का समय ही इनको नहीं है। पुणे में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया प्रतियोगिता की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। 9 से 20 जनवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के जरिए भारत 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में अपना स्थान बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि खेलो इंडिया प्रतियोगिता के जरिए भारत को आने वाले समय में खेल शक्ति के रूप में उभारने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले कुछ समय में सफलता के नए आयाम छुए हैं। का राष्ट्रमंडल खेल हो, एशियन गेम्स हो, पैरा एशियन गेम्स हो या यूथ ओलंपिक गेम्स हो, सबके अंदर हमने ऐतिहासिक पदक तालिका हासिल करी। और साथ साथ उनके दिमाग पे ये प्रेशर ना रहे कि खेल के साथ साथ मैं अपना खर्चा कैसे उठाऊंगा, जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनको एक स्कॉलरशिप दीजिए और हर महीने 50,000 रुपये उनको मिलते हैं अपने जेब खर्च के लिए। ये भारत का समय है, खेलों के अंदर शुरू भले ही अभी हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ओलंपिक के लेवल पर आने पदक तालिका में ऊपर चढ़ने में भले ही समय लगेगा और लगता है हमेशा, लेकिन दोनों तरह से हम इसको टारगेट कर रहे हैं। एक एक माहौल हम ऐसा बनाएं पॉजिटिविटी का पूरे देश में या हर व्यक्ति खेले, और दूसरा उसमें से जो प्रतिभा निकल कर आए वो हम सबका मान सम्मान बढ़ाए इंटरनेशनल लेवल पर। तो 2024 और 2028 ओलंपिक्स के लिए पूरी तरह से तैयारी हो रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष गाड़ियों के संचालन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इनमें जयपुर उदयपुर सुपरफास्ट, किराया स्पेशल गाड़ी और मावली मारवाड़ जंक्शन स्पेशल गाड़ी शामिल हैं। अजमेर रेल मंडल ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुछ गाड़ियों के एसी डिब्बों में भी अस्थायी बढ़ोतरी की है। इनमें उदयपुर से न्यू जलपाईगुड़ी, बीकानेर बांद्रा टर्मिनल, हिसार कोयम्बटूर, अजमेर आगरा सुपरफास्ट और दिल्ली सराय रोहिल्ला उदयपुर गाड़ियाँ भी शामिल हैं। भारत स्काउट और गाइड के जयपुर स्थित जगतपुरा प्रशिक्षण केंद्र में 60वां रोवर मूट रेंज मीट की आज शुरुआत हुई। 30 दिसंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण में प्रदेश के 500 से भी अधिक रोवर रेंजर भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले स्काउट गाइडों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ ही साहसिक खेल भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान रोजाना लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। इस मौके पर शिविर की आयोजिका शकुंतला वैष्णव ने बताया कि शिविर की थीम स्वस्थ युवा सुरक्षित भारत है। उन्होंने बताया कि शिविर का उद्देश्य युवाओं में साहसिक और सांस्कृतिक संस्कारों का आदान प्रदान करना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यूथ को प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग्स देना स्काउटिंग गाइडिंग की और उनको आगे बढ़ाना, और विभिन्न जिलों से हमारे यहाँ ये बच्चे लगभग 550 इकट्ठे हुए हैं। इनकी थीम जो है हेल्दी यूथ और सेफ फ्यूचर। अगर यूथ, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी जो है थोड़ा थोड़ा भटकती जा रही है, और स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे सभी को उम्मीद है कि इन बच्चों को सही राह दिखाएं, इनको संस्कारवान बनाएं। जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में हैंडलूम और क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से बनारस का सिल्क, कश्मीर के ऊनी कपड़े और खाद्य पदार्थ लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। खरीदारी करने आए लोगों का कहना है कि उन्हें एक ही छत के नीचे विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति को जानने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा, हर साल लगता है और हमेशा हम लोग आते हैं यहाँ से, शॉपिंग करते हैं, तरह तरह के आइटम्स हैं जो कई बार हम लोग कई जगह ढूंढते हैं नहीं मिलते, लेकिन ये आसानी से हमें मिल जाते हैं। और ये आज का तो हमारा स्कूल का जो है बच्चों का ट्रिप है, उनको लेके आए हैं। बच्चे भी काफ़ी खुश हैं देख करके यहाँ पे, और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ की एग्जीबिशन भी देखी है उन लोगों ने, बच्चों ने अलग अलग तरह की पेंटिंग्स है जो बाहर से आए लोग हैं उनकी एग्जीबिशन लगी हुई है। अलग अलग तरह की मतलब पिक्चर्स हैं, अलग थीम है, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा समझा, एक नॉलेज उन्हें मिली अलग तरीके। हाँ, ये बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए क्योंकि हम हर स्टेट में नहीं जा सकते हैं, वहाँ की प्रॉपर चीज़ें जो हैं हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है और मिनिमम कॉस्ट पे रहता है, कॉस्ट भी इनका ठीक रहता है, तो हमें अच्छा लगता है यहाँ से परचेज करना और सब चीज़ें लेना।
मेले में बनारस से आए विक्रेता ने बताया कि इस मेले में लोगों का अच्छा रुझान मिल रहा है। यहाँ पे हमको दुकान लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारे कस्टमर आ भी रहे हैं और यहाँ पे सेलिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। यहाँ 30 तारीख तक प्रोग्राम चल रहेगा और यहाँ पे हर तरह का सिल्क मिलता है, जैसे मर्सराइज सिल्क है, मोनिका सिल्क है, रेशम सिल्क है, हर सिल्क का कपड़ा, हर रेंज का कपड़ा हम लोग यहाँ रखते हैं। सूट भी है, साड़ी भी है, दुपट्टे भी है, लहंगा भी है, हर चीज़ आदि वगैरह में सब सामान यहाँ पे रखते हैं और काफ़ी लोग आते भी है इस मेला प्रदर्शन में। काफ़ी लोग आते हैं और अच्छा अच्छा सामान ले कर जाते हैं। साड़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की चीज़ें हैं तो आप एक ही जगह बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, इसलिए अच्छा ही लगा। कश्मीरीज भी हैं, यहाँ भी हैं, बनारस का भी सिल्क है, तो बहुत सारी शॉपिंग हम एक साथ कर पाते हैं। इट्स एंड वी गेट न्यू वैरायटी। अब ऐसा का एक एक पीस है ना, जो औरतें बनाती है उसमें टाइम लगता है, धीरे 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 बनता रहे तो बढ़िया बढ़िया काम करती है ना। पहले पुराने ज़माने में बना है ज़्यादातर, तो अभी तो कोई कोई बनाता है, ज़्यादा नहीं बनता है। और मतलब हैंडवर्क है ओल्ड में, पुराना अभी अब ओल्ड वर्क बनाया हुआ है। वो पहले तो पीस एक एक बनाया, तैयार कराया, उसको फिर काट के खाली कपड़ा था ना वो साइडों में निकाल के फिर ये बड़ा पीस बनाया जोड़ के। टाइम तो कम से कम ये पीस है 5 साल में इतने पीस बने हैं ना, जब जाके एक पीस तैयार हुआ है। हर तरीके का तो वो अलग अलग बनता है जल्दी। अब ऐसा वर्क तो हर एक बना नहीं सकता, जिसके दिमाग में है वही बनाता है। मेलबर्न टेस्ट मैच में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर 215 रन बना लिए हैं। कप्तान विराट कोहली 48 और चेतेश्वर पुजारा 68 रन बनाकर क्रीज पर हैं, जबकि अपना डेब्यू मैच खेल रहे मयंक अग्रवाल ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए 76 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कमिंस ने 40 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। नव वर्ष का स्वागत करने के लिए प्रदेश के तमाम ऐतिहासिक शहर सैलानियों से गुलजार हैं। सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इन दिनों देशी और विदेशी सैलानियों का हुजूम देखा जा रहा है। गुलाबी नगरी जयपुर की संस्कृति और यहाँ के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जयपुर स्थित आमेर, नाहरगढ़ और अल्बर्ट हॉल विशेष रूप से उनकी पसंद बने हुए हैं। देश के अलग अलग शहरों से आए सैलानियों ने बताया कि जयपुर का खान पान, वेशभूषा और स्मारक आकर्षण का केंद्र हैं। पिंक सिटी है तो मेनली वही जो यहाँ पे फेमस है, सारे किले देखने हैं, यहाँ का फेमस खाना खाना है, जो क्यूजीन्स इतनी फेमस इतने सालों से सुनते आ रहे हैं वो ऑथेंटिक क्या है, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो देखने के लिए और टेस्ट करने के लिए। ऑल द मॉन्यूमेंट्स हियर, सब अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स, पुराना हेरिटेज, पुराना कल्चर, इंडिया का कल्चर, यू नो, बहुत सुंदर दिखता है, चाहे सुबह हो या शाम हो, वो सब देखने का, खाना, ऑथेंटिक फूड ट्राई करना है और मार्केट्स जाना है, यहाँ की लोकल मार्केट्स एंजॉय करना है। किसी से कि यहाँ पे बहुत पुरानी एक मम्मी है वो देखेंगे, और यहाँ पे जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है आमेर में वो देखने का प्रोग्राम। हिमालय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के दबाव के कारण प्रदेश में ठंड और शीतलहर का असर बरकरार है। सीकर के फतेहपुर में आज भी न्यूनतम तापमान 0 से 2.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहां कड़ाके की सर्दी के साथ ही कोहरे की स्थिति बनी रहने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चूरू में न्यूनतम तापमान गिरकर जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। जैसलमेर के चांधन में बीती रात 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं बीकानेर में 8.4 और राजधानी जयपुर में 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 68 आईएएस अधिकारियों के तबादले। जगरूप सिंह यादव को नियुक्त किया गया जयपुर कलेक्टर। टी रविकांत को दी गई जेडीसी की जिम्मेदारी। स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए आधार की अनिवार्यता समाप्त। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने दिए पालना के निर्देश। राज्य मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे की कवायद जारी। वरिष्ठ नेता कर रहे हैं मंथन। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार शीर्ष नेतृत्व के संपर्क। महाराष्ट्र के पुणे में 9 से 20 जनवरी तक आयोजित होगी खेलो इंडिया प्रतियोगिता। 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारी के रूप में देखी जा रही है ये प्रतियोगिता।
और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ शीतलहर का दौर जारी। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान आज भी जमाव बिंदु के नीचे। कोहरे के कारण रेल और सड़क मार्ग हो रहा है प्रभावित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।